रोडी सेवी होगी रिया चक्रवर्ती आउट। गैंग लीडर प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी के साथ शूटिंग करने से किया इनकार। टीवी के फेमस रियलिटी शो रोडीज जल्द ही अपने नए सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देने वाला है। इस बार शो में सोनू सूद जहां होस्ट के तौर पर नजर आएंगे, तो वहीं प्रिंस नरूला, गौतम गुलाटी और रिया चक्रवर्ती गैंग लीडर्स के तौर पर दिखाई देंगी। यूं तो रोडीज के नए सीजन को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन शो में रिया चक्रवर्ती के गैंग लीडर के तौर पर नजर आने के बाद कई फैंस इसके खिलाफ हो गए और चैनल व मेकर्स को जमकर ट्रोल भी किया। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि दूसरे गैंग लीडर्स के साथ भी रिया चक्रवर्ती को कोल्ड वॉर शुरू करनी पड़ी। रिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी ने रिया चक्रवर्ती के साथ शूटिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को गैंग लीडर के तौर पर चुनने के बाद मेकर्स की जमकर किरकिरी हुई थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला को भी आड़े हाथों ले लिया था और उन्हें नफरत भरे मैसेज भी भेजने शुरू कर दिए थे। ऐसे में दोनों ने लोगों की शिकायतों से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ काम न करने का फैसला किया है। हालांकि इस बात पर अभी तक रिया चक्रवर्ती या फिर खुद गौतम गुलाटी या फिर प्रिंस नरूला की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आपको बता दें कि रोडीज कर्म या कांड 3 जून से छोटे पर्दे पर शुरू होने वाला है। शो का प्रीमियर हर सैटरडे और संडे को शाम 7 बजे होगा। अब देखना ये होगा कि रिया चक्रवर्ती इस सभी मुसीबतों के बीच भी टिक पाती है या फिर रोडीज से भी उनका पत्ता कटने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एक्ट्रेस निशाने पर रहती हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद से ही रिया चक्रवर्ती लोगों के निशाने पर हैं। एक्ट्रेस पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। वहीं ड्रग्स से जुड़े मामले में रिया चक्रवर्ती कई दिनों तक पुलिस हिरासत में भी रही थी। वेल, आपका रिया चक्रवर्ती के रोडीज में होने पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।